नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनु पांडे है और मैं यहाँ पे एक मुहूर्त हूँ जिसमें काफ़ी माने जाने लोग शामिल हैं और अपने आप को मैं बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ कि ऐसी जगह पे आने का मुझे अवसर मिला। और कुछ लोगों का नाम लूँगी, जैसे रवि किशन जी, पाकी हेगड़े जी, काजल राघवनी जी, निरोवा भैया जी, तो इनके बीच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ऐसा है कि मैं अभी नई हूँ और अभी नई जुड़ी हूँ सबसे, सबका आशीर्वाद अभी चाहिए। तो मैं एक्टर भी हूँ और मैं सिंगर भी हूँ, मैं सिंगिंग भी करती हूँ। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि पाँचों फिल्मों में मैं कुछ नहीं तो कम से कम एक सॉन्ग तो ज़रूर गाऊँ, और उम्मीद करती हूँ वो सॉन्ग जो भी आएगा वो आप सबको बहुत पसंद आएगा। देखिए मैं एक बहुत ही सच्ची बात बोलना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें होती है जो ईश्वर देता है, लेकिन देने के बाद कुछ लोग उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। अगर आप उस चीज़ को मशक्कत मेहनत नहीं देंगे, जैसे एक बर्तन पड़े पड़े जंग खाता है, वैसे वैसे इंसान का टैलेंट भी पड़े पड़े जंग खाता है। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत की कामयाबी हासिल नहीं होती है और लाइफ टाइम मेहनत करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं हिंदी भोजपुरी सब गाती हूँ। तो एक सॉन्ग है वो, ओके मैं दो लाइन ज़रूर गाऊंगी, और मैं बचपन से ये सॉन्ग सुनते आई हूँ और सूफी सॉन्ग की जैसे ही मेरी आवाज़ भी है थोड़ी भारी भारी, तो मैं दो लाइन ज़रूर गुनगुनाऊँगी। हाय वैसे तो मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, मैंने बचपन से थिएटर में काम किया है और मैंने भोजपुरी कुछ मूवीज़ की हैं, जैसे कि राकेश जी के साथ में मेरी काफ़ी पहले मूवी आई थी, ऐसे ही विधायक जी, उसके मारक, तीन गुड़बक, तो इन सब में लीड किया है। बाकी सिंगिंग तो मेरी चल गई है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.